आज हम देखेंगे कि अपने घर की पाइपलाइन में पानी का फ्लो और प्रेशर कैसे बढ़ाया जा सकता है। पाइप के डायमीटर का फॉर्मूला पाई बाय 4D² के हिसाब से यदि आप सारी पाइपलाइन UPVC की डालते हैं और 21.3 mm की पाइपलाइन लेते हैं तो 1 लीटर पानी डिस्चार्ज होता है और यदि 33.4 mm पाइपलाइन डालते हैं तो 4 लीटर पानी का डिस्चार्ज होता है। इसका मतलब पाइप का डायमीटर यदि डबल होता है तो पानी का डिस्चार्ज भी 4 गुना बढ़ता है। ये चार्ट आपको कौन से डायमीटर की पाइपलाइन डालनी चाहिए ये जानने में मदद करेगा। पाइपलाइन फिट करने का सही और साइंटिफिक तरीका हम अपने प्लम्बर भाइयों को इस डायग्राम के जरिए समझाना चाहते हैं। अगर आपको एक ही टैंक से ज्यादा आउटलेट निकालना है तो आपके टैंक का मेन आउटलेट सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसा आप यहां देख सकते हैं कि हमने प्लास्टो का 50 mm का टैंक कनेक्टर लगा के प्लास्टो की 60.3 mm की पाइपलाइन निकाली है, जिसे हमने हेडर की तरह इस्तेमाल किया है। हेडर से छोटे डायमीटर की 3 अलग अलग पाइपलाइंस निकालनी है, जो है 48.2 mm, 21.3 mm और एक रिड्यूसर लाइन है जिसमें पाइप का डायमीटर 48.2 mm से स्टार्ट करके 33.4 mm किया और फिर 21.3 mm किया है। अब देखते हैं कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में पानी के प्रेशर में क्या फर्क पड़ता है। प्रेशर जांचने के लिए हमने प्रेशर गेज का इस्तेमाल किया है। सारे नल बंद होने पर सारी पाइपलाइंस में प्रेशर है 0.44 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रेशर टैंक की हाइट से डिसाइड होता है, ना कि पाइप के डायमीटर से। यहाँ 48.2 mm की पाइपलाइन ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही डायमीटर की है। इसमें प्लास्टो का एक PTMT नल शुरू करने पर प्रेशर आ रहा है 0.44 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रेशर उतना ही है जितना सारे नल बंद होने पर होता है और पानी का एवरेज डिस्चार्ज है 6.88 लीटर्स पर मिनट। इस तरह 21.3 mm पाइपलाइन में भी एक ही PTMT नल शुरू करने पर प्रेशर आता है 0.44 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पानी का एवरेज डिस्चार्ज होता है 6.63 लीटर्स पर मिनट। और रेड्यूसर लाइन भी एक ही PTMT नल शुरू होने पर प्रेशर है 0.44 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पानी का एवरेज डिस्चार्ज है 6.80 लीटर्स पर मिनट। इससे ये सिद्ध होता है कि 3 अलग अलग डायमीटर की पाइपलाइन में एक ही PTMT नल शुरू होने पर सब में प्रेशर और पानी का एवरेज डिस्चार्ज लगभग एक जैसा ही होता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने जब प्लास्टो के 4 PTMT नल एक साथ शुरू किए तब देखा कि 48.2 mm की पाइपलाइन में प्रेशर है 0.44 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एक नल शुरू होने पर मिलने वाले प्रेशर के मुकाबले सेम है, और पानी का एवरेज डिस्चार्ज है 6.70 लीटर्स पर मिनट, जो कि एक नल शुरू होने पर मिलने वाले डिस्चार्ज के मुकाबले हर नल में 2.6% कम है। 21.3 mm की पाइपलाइन में प्रेशर है 0.28 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एक नल शुरू होने पर मिलने वाले प्रेशर के मुकाबले 36.3% कम है और एवरेज डिस्चार्ज है 4.88 लीटर्स पर मिनट, जो कि एक नल शुरू होने पर मिलने वाले डिस्चार्ज के मुकाबले हर नल में 26.4% कम है। रिड्यूसर लाइन में हमने 48.2 mm की लाइन के नीचे 33.4 mm लगाया और उसके नीचे 21.3 mm लगाया है। इस रिड्यूसर लाइन में प्रेशर है 0.38 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एक नल शुरू होने पर मिलने वाले प्रेशर के मुकाबले 13.6% कम है और पानी का एवरेज डिस्चार्ज है 5.95 लीटर्स पर मिनट, जो कि एक नल शुरू होने पर मिलने वाले डिस्चार्ज के मुकाबले हर नल में 12.5% कम है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हुआ कि 48.2 mm पाइपलाइन में 2.6% एवरेज डिस्चार्ज कम मिला, 21.3 mm पाइपलाइन में 26.4% एवरेज डिस्चार्ज कम मिला और रेड्यूसर लाइन में केवल 12.5% एवरेज डिस्चार्ज कम मिला है। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि 21.3 mm पाइपलाइन के मुकाबले रेड्यूसर लाइन लगाना बेहतर होगा, मगर रेड्यूसर लाइन से भी ज्यादा बेहतर 48.2 mm की पाइपलाइन लगाना।
रिड्यूसर लाइन तभी लगाएं जब आपको अलग अलग फ्लोर पे कनेक्शंस करने हो। मान लीजिए हमने अलग अलग फ्लोर पे कनेक्शंस करने के लिए रिड्यूसर लाइन की बजाय 48.2 mm की पाइपलाइन ली, तो क्या होगा? पानी का मैक्सिमम फोर्स सबसे पहले नीचे के फ्लोर पर आएगा, जिस वजह से बाकी फ्लोर्स में पानी का फ्लो कम रहेगा। ऐसा ना हो इसीलिए रिड्यूसर पाइपलाइन लगाते हैं। इसमें हमें पहले टी लगाना है, जिससे पानी पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उसके बाद रिड्यूसर लगाना है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि इस 48.2 mm की पाइपलाइन में 9 लीटर पानी आता है। रिड्यूसर लगाने की वजह से आधा पानी नीचे जाता है और आधा पानी इस कनेक्शन पाइप में जाता है। इससे दोनों जगह प्रेशर सेम रहेगा। रिड्यूसर लाइन में 21.3 mm की पाइप की हाइट सिंगल 21.3 mm पाइपलाइन के हाइट के मुकाबले कम है। इस वजह से रिड्यूसर लाइन में फ्रिक्शन लॉस कम होता है। नतीजा, पानी का प्रेशर और एवरेज डिस्चार्ज सिंगल 21.3 mm लाइन के मुकाबले ज्यादा मिलता है। एयर वेंट हमेशा वहीं लगाएं जहां से पाइपलाइन सीधे नीचे आ रही हो, क्योंकि पानी के साथ हवा भी पाइप से बहती है। हवा पानी से हल्की होने के कारण पानी के फ्लो के विपरीत पीछे नहीं जा सकती और ना ही नीचे आ सकती है। वो इन एयर पॉकेट्स में जमा होती है, जिससे पाइप में पानी के बहने का डायमीटर कम हो जाता है और हमें नल में पानी का फ्लो कम मिलता है। इसीलिए एयर वेंट हमेशा सही जगह लगाएं ताकि पानी का फ्लो सही और ज्यादा मिले। ब्लास्टो है तो गारंटी है। ब्लास्टो के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।